हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, या अग्निवीर हो। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि जीके सब में पूछी जाती है। और साथ ही वीडियो के एंड में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब हमें कमेंट में करना है। वो सवाल क्या होगा उसके लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है ये, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी, वाज फाउट इन विच रीजन ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। तो 1757 का विश्व विख्यात जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ये युद्ध लड़ा गया था। राइट साइड में छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। तो उस्ताद, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पटियाला घराने से ये संबंधित है। कौन? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। और साथ ही नीचे इनकी फोटो है, वीडियो को पॉज करके साइड में इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो उसको आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अश्योर हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ईच रूरल हाउस होल्ड। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिनों का रोजगार का आश्वासन देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिनों का यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है। और इसका जो नया नाम है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जिसे आप मनरेगा बोलते हैं, इसका मनरेगा नाम रखा गया था 2 अक्टूबर 2009 को। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज किया जाता है किसको मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है। सत्यार्थ प्रकाश रोट द बुक, ठीक है ना, इन्होंने बुक जो बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रसाद लिखी थी, बिल्कुल सही है। बॉर्न इन गुजरात, ये भी सही है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ये भी सही है। और ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड, ये जो कथन है ये गलत है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो ब्रह्मो समाज इन्होंने फाउंड नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कहता है कि हीमा रंजीत दास इज एन इंडियन, क्या है हीमा रंजीत दास, कौन है, एक रनर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हीमा रंजीत दास क्या है, एक इंडियन रनर है। आगे बात करते हैं कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट टू बी इंक्लूडेड इन हेरिटेज वॉल ऑफ फेम इन अमेरिका इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने। तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए, रामधर सिंह। कौन बने हैं? रामधन सिंह जो है वो पहले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बने हैं, किसमें, हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद। गीता गोविंद के लेखक कौन है, गीता गोविंद के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। जयदेव जो है वो गीता या गीत गोविंद के जो है लेखक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 में प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, किसे, प्रथम दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि इन द ईयर 1922 बाई हुम वट इज बाई हुम वॉज इट सेट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द इंडियंस। कह रहे हैं कि वर्ष 1922 में किसके द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने ये शब्द कहे थे कि भारत का जो संविधान होगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म। भारत का संविधान, भारत की जो संविधान सभा है किसके द्वारा गठित हुई थी। तो ये गठित हुई थी ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ये गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, ये बनाया था ऑप्शन नंबर बी, 1835 में। 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को क्या बनाया था, शिक्षा का माध्यम बनाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1084 की माँ, यानी कि 1084 की माँ की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी किसने, ऑप्शन नंबर सी, महेश्वेता देवी ने ये बुक लिखी थी, कौन सी, 1084 की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर देयर वर मैक्सिमम हिंदू जनरल इन द मुगल आर्मी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में
मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसकी सेना में सबसे ज्यादा क्या थे, हिंदू सेनापति थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के जो सेना थी उसमें ज्यादातर जो थे वो हिंदू सेनापति थे। आगे बात करते हैं, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे वो कौन थे, वो थे ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि शहनाई यानी कि शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान को 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उन्हें भारत रत्न किस वर्ष में दिया गया। किसको, शहनाई वादक है कौन, बिस्मिल्ला खान को 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उन्हें भारत रत्न कब दिया गया, तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। 2001 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कि हु वॉन द डूरंड कप 2022। डूरंड कप 2022 किसने जीता, तो ये जीता है मुंबई सिटी एफसी ने, फैन क्लब यानी कि मुंबई सिटी एफसी ने ये डूरंड कप 2022 जीता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कि व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसकी कमी के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, मार्च 22 को। मार्च 22 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी जो थीम थी 2022 की वो थी एक्सेलरेशन द चेंज। एक्सेलरेशन द चेंज जो थी वो थीम थी, और ये मार्च 2022 को, 2022 कह रहा, माफ कीजिएगा, मार्च 22 को जो है ये बनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि इन विच स्टेट इज द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी लोकेटेड। इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है किस राज्य में है, तो यह ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य में स्थित है। किसका, इब्राहिम लोधी का मकबरा, और ये कहाँ पर है, पानीपत हरियाणा में है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, केरल राज्य में है। उसके बाद आता है पौडीचेरी, उसके बाद आता है तमिलनाडु। राइट साइड में इंफॉर्मेशन दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि इंडियंस फेमस ट्रेडिशनल फेस्टिवल छठ पूजा इज डेडिकेटेड है किस, कौन सी गॉड को, कौन से भगवान को ये डेडिकेटेड है छठ पूजा, तो ये है सूर्यदेव यानी कि सन गॉड को, भगवान सूर्यदेव को जो है ये छठ पूजा जो है वो समर्पित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, फोक डांस इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब, पंजाब से रिलेट नहीं करता, तो कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर सी, लवणी। लवणी डांस जो है वो पंजाब राज्य से जो है वो बिलोंग नहीं करता। लवणी कहाँ का राज्य, कहाँ का, ये महाराष्ट्र राज्य का। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। आपको ये बताना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के, सॉरी बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। और आपकी लिए जो क्वेश्चन है आज का, वो इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर कीजिएगा। और ये थी आपके पास जीके जीएस की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।